आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइनों पर। उत्तराखंड आपदा, तपोवन सुरंग से 200 बरामद, मृतकों की संख्या हुई 40, सैकड़ों लोग अभी भी लापता। पाकिस्तानी महिला यूपी में बंद बैठी, कार्यवाहक ग्राम प्रधान जांच के बाद हुई गिरफ्तारी। आम लोगों पर हुए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे, अब वापस लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। आजमगढ़ गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरी मैजिक ट्रक से टकराई, 4 की मौत। रोहतक हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित। यूपी महोबा न्यूज, ब्लॉक प्रमुख की धमकी से परेशान अधिवक्ता ने गोली मारकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद। लॉकडाउन के दौरान जो दर्ज हुए थे केस, उस पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आचार्य प्रबोध कृष्णन बोले, दुर्गा का अवतार है प्रियंका गांधी, उन्हीं के हाथों होगा बीजेपी का वध। बंगाल में परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे पीएम मोदी। चमोली में 40 सौ मिले, 164 लोगों की तलाश जारी।